ये कौन सी ब्रांड है? ये वाली मुरादाबादी। ये मुरादाबादी और दूसरे पतीले में है वो हैदराबादी। हैदराबादी देखा गाइस, ये इनकी स्पेशल बिरयानी हैदराबादी और मुरादाबादी। लाइन नहीं टूटती यहाँ पे। थैंक यू इनका बनाने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बढ़िया बनाते हैं। बढ़िया बढ़िया जनाब, बहुत अच्छा टेस्ट है सर, बहुत अच्छा टेस्ट। बहुत बढ़िया मुरादाबादी और हैदराबादी बिरयानी की, बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। जी मेरा नाम राहुल भारती है, मैं हंसता हूँ हंसाता हूँ हंसाना मेरा काम है, जिला बैलेंसर का हूँ, राहुल भारती मेरा नाम है। सो हेलो गाइस, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। जलंधर में शायद बहुत कम फूड ऐसे हैं जो आज आपको हम दिखाएंगे। इनके पास दो डिश ऐसी स्पेशल हैं जो शायद जलंधर में बहुत कम लोग वो बनाते हैं, डिश बनाते हैं। ये है हैदराबादी और मुरादाबादी बिरयानी। तो आज आपको हम ये वो टेस्ट करके दिखाएंगे कि ये दोनों चीज़ें कैसी हैं। देरी नहीं करते, जल्दी आप जुड़े रहें। मैं हूं गगन नारंग, आप देख रहे हैं फूड ट्रैवल व्लॉग्स। तो मिलते हैं फूड के साथ फिर। तो क्या खास बात है आपकी शॉप पे कि इतना रश होता है शाम के टाइम पे? क्या खास बनाते हो? सर क्वालिटी यहाँ की, सर यहाँ की बिरयानी स्पेशल है। रोस्टेड में आप कुछ भी लिखा सकते हैं, तंदूरी अफगानी, तंदूरी टिक्का, अफगानी टिक्का, तंगड़ी, शौरमा रोल, या फिर आप ग्रेवी में काफ़ी तरह के आइटम बनते हैं, बटर चिकन, कढ़ाई वगैरह। तो बिरयानी में कौन सी बिरयानी बनाते हैं? हैदराबादी मुरादाबादी। हैदराबादी और मुरादाबादी? जी जी, ये डेली की डिश है, टोटल डिश है डेली की है सर। अच्छा जी। जी मेरा नाम राहुल भारती है, मैं हंसता हूँ हंसाता हूँ हंसाना मेरा काम है, जिला बैलेंसर का हूँ, राहुल भारती मेरा नाम है। और आपको मैं अब ले चलता हूँ, ये इधर देख सकते हैं चिकन चंगेजी है, इसमें बहुत ही बढ़िया होती है खाने में। आपको मैं लाइव दिखाऊँगा अभी, आप देख सकते हैं इसमें बड़े बड़े पीस डालते हैं ताकि कस्टमर को खाने में बहुत ही मज़ा आए। अच्छा, एक अलग ही फीलिंग है कस्टमर। हाँ जी, और इधर देख सकते हैं मटन बन रहा है इधर, मटन मटन कोरमा। अच्छा मटन कोरमा। हाँ जी, मटन कोरमा बहुत ही पसंद करते हैं लोग, इसीलिए हम इसको कलर क्या बात है। देखिए आप देख सकते हैं मटन क्या कलर आ रहा भाई। ये मटन है, इसमें मटन में हमने नली चाँप पुट के पीस डाले हुए हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट लाइन में मैं आपको बताना चाहूँगा नली और चाँप के पीस ही खाने में बहुत अच्छा लगता है कस्टमर को। अगर कस्टमर खुश है तो हम खुश हैं। ये हमारा चिकन शोरमा बनता है इधर। अच्छा, ये चिकन शोरमा बनता है ओनली 50 रुपीज़ का है पर पीस। अच्छा, और मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले हम इसको रुमाली रोटी को इधर फोल्ड करेंगे, आपको लाइव बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ग्रीन चटनी डालेंगे स्वाद अनुसार, इसमें उत्तम क्वालिटी के मसाले डाले गए हैं। अच्छा हाँ जी, खड़े मसालों से बनाया गया है सारा ये। इसमें हमने अमूल की क्रीम डाली है, और आप देख अमूल की क्रीम है, और दूसरी चीज़ ग्रीन चटनी डाली है। ये बहुत ही बढ़िया लगती है जब कस्टमर ग्रीन चटनी के साथ में से खाता है। तो इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, ये हमारा रोल बन के इधर तैयार हो गया है। प्लेट में हम इस तरह सर्व करते हैं कस्टमर को ताकि उसे खाने में दिक्कत ना हो। इस तरह से दो पीसों में काटेंगे तो उसे खाने में इजी होगा। और इसको हम देंगे इसके साथ में हरी चटनी के साथ में और अमूल की क्रीम के साथ में। इस तरह हम कस्टमर को सर्व करते हैं ताकि कस्टमर को खाने में एक अलग ही मज़ा आए। तंदूरी टिक्का है, मलाई टिक्का, ये अफगानी चिकन है, ये मलाई टिक्का आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा खाने में टेस्ट आता है इसका। और ये हमने टंगड़ी लगाई है आप देख सकते हैं जी। अच्छा, तंदूरी चिकन मिलेगा आपको, तंदूरी टिक्का मिलेगा, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है खाने में। आप एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। ये इसमें लगा हुआ आप देख सकते हैं, इसमें चिकन कबाब लगा है, मटन कबाब लगा है, जो कि चिकन कबाब हो चुका है। अब हम चिकन कबाब बनाएंगे, एक सेकेंड इसको निकाल लो अभी। ये चिकन कबाब है, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें ये सॉफ्टनेस बहुत होता है, सॉफ्ट बहुत होता है। एक जब ये चिकन कबाब खाएंगे आप तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी कि हाँ हम चिकन कबाब खा रहे हैं। क्या बात है जी, हमने इसमें स्वाद अनुसार चाट मसाला डाला है। अच्छा, उसके अमूल क्रीम डालते हैं, उसके बाद में हम बटर डालेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे अमूल का बटर है। ये 120 का है ओनली, ये 120 का जी।
ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये इधर आप देख सकते हैं, ये मटन कबाब बन गया। ये मटन वाला? हाँ जी। और आपको हलाल होता आपके पास? जी हलाल होता हमारे पास है। ठीक है। और ये ग्रेवी आइटम को भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि हमारी बहुत ही फेमस है। चिकन चंगेजी है, मटन कोरमा है, अच्छा। बटर चिकन है, तवा चिकन है, कढ़ाई चिकन है। ये मटन कबाब बन गया है, आप देख सकते हैं इसकी सॉफ्टनेस कितनी है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो रहा है। ये खाने में आपको एक अलग ही मजा आएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो गाइज हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये हमारी बिरयानी है, आप देख सकते हैं वाइट वाली बिरयानी है, ये मुरादाबादी बिरयानी है। मुरादाबादी देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, और खाएंगे तो और ही आपको मज़ा आएगा खाने में। और उधर दूसरे पतीले में हमारी हैदराबादी बिरयानी है, जो कि जलंधर के अंदर बहुत ही फेमस है। अच्छा। हाँ जी, हमारा सारा आइटम बहुत फेमस है, आप देख सकते हैं इधर लाइव देख सकते हैं। इधर बड़े बड़े पीसों के साथ में डालते हैं इसको भी, देख सकते हैं। और एक बार आप सेवा का मौका दीजिए। हाँ, इसी में ही दम लगता है, इसी में बनती है। दम लगता है? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कब स्टार्ट कर देते हैं आप? हम मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं 11 बजे से, रात को 11 बजे तक मिलती है बिरयानी। बाकी रोस्टेड आइटम इवनिंग के टाइम मिलता है 5 o'clock के बाद, और आपको ग्रेवी आइटम दिन में भी मिल सकता है, मिल जाता है। अच्छा, ये दो बिरयानी आपकी ज़्यादा बिकती हैं? जी जी। क्या खास डालते हैं इसमें? सर इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल इसके रीज़नेबल प्राइस हैं, और टेस्ट उस हिसाब से बहुत आउटस्टैंडिंग है सर। ओके। तो सर इसके मसाले वसाले सारे जो अपने होते हैं सर वो? अच्छा, आपके जी, मसाले आप जी, जी, करते हैं? जी जी, रोस्टेड सारा पसंद करते हैं सर। ओके। बटर चिकन, चंगेजी, मटन भी बड़े सर बेस्ट है यहाँ का। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी शॉप है वो आप देख सकते हैं इधर फ्रेंड्स बेकरी के अपोजिट है बिल्कुल। और सबसे बड़ी सुविधा हमारी शॉप पे ये मिलेगी आपको कि हम गाड़ियों में भी सर्व कर सकते हैं, कस्टमर को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, हम गाड़ियों में ही खाना पानी कोल्ड ड्रिंक सब कुछ देते हैं। और मैं तो 2 साल पहले यहाँ पे आया था, मैं घूमने के लिए आया था। ऐसे जाने में यहाँ पर दुकान मिल गई जहाँ पर शमा बिरयानी कॉर्नर की, मैंने जब टेस्ट किया मुझे बहुत मज़ा टेस्ट लगा। आप मुझे यहाँ पर 4 दिन हो गए जलंधर में, कंटिन्यू में यहाँ पर बिरयानी खा रहा हूँ, बहुत टेस्ट है मुझे, बहुत ज़बरदस्त लव, बहुत ज़बरदस्त। क्या बात है, कैसा उसूल? बहुत अच्छा टेस्ट है सर, बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत बढ़िया। मुरादाबादी और हैदराबादी बिरयानी की बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। लारा सिलमे के बिल्कुल सामने है हैदराबादी और मुरादाबादी बिरयानी। थैंक यू इनका बनाने वालों का, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बढ़िया बनाते हैं? बढ़िया बढ़िया जनाब। सो फूड आ गया हमारी टेबल पे, ये देखिए 2 स्पेशल बिरयानी है, ये मुरादाबादी, ये हैदराबादी, नहीं ये हैदराबादी, ये मुरादाबादी। ये कौन सी है? ये हैदराबादी, ये मुरादाबादी। तो ये सारा जी हिसाब किताब है, इनकी रश का कारण ये 2 चीज़ें हैं। तो हम इसको करेंगे चेक, और ये देखिए, ये देखते हैं ये क्या आया जी। चंगेजी ग्रेवी। अच्छा, चंगेजी ग्रेवी। ओके, ये देखिए जी, ये इन्होंने ग्रेवी दिया साथ में, और ये देखिए ये है इसमें लेग पीस। ये देखिए पहले हम चेक करते हैं लेग पीस इसका कैसा बना हुआ है। ये देखिए अभी चटनी नहीं यूज़ करेंगे, ग्रेवी नहीं करेंगे यूज, तो ये चेक करेंगे कि इनका टेस्ट कैसे है। तो वाकई इसमें क्वालिटी है, आप पता चला रश क्यों है यहाँ पे। उसको करते हैं ग्रेवी, चंगेजी ग्रेवी, चंगेजी चिकन की ग्रेवी, इसके का साथ देखते हैं। वाह दोस्तों, चंगेजी चिकन ग्रेवी क्या नाम है, बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। ये आ गई जी हैदराबाद बिरयानी, मैंने कभी नहीं खाई, आज चेक करते हैं ये कैसी है। ये लास्ट पीस, एक छोटा सा टुकड़ा, और इसको करते हैं टेस्ट।
ये देखिए नाइस। ग्रेवी के साथ करें वाह क्या बात है। ये इनकी शॉप जो है जलंधर में बिल्कुल नकोदर चौक के पास है, उसके साथ है फ्रेंड्स बेकरी, बहुत मशहूर है, उसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट इनकी शॉप है और यहाँ पे सारा हलाल होता है और कुक बहुत बढ़िया प्रेपरेशन करते हैं। ख़ास करके इनका सबसे यूनिक जो है वो है दोनों बिरयानी, मुरादाबादी और हैदराबादी, ये दोनों बिरयानी करके ये बहुत मशहूर है। जलंधर में बहुत कम लोग हैं जो बिरयानी में स्पेशल करते हैं। आइए यहाँ पे टेस्ट कीजिए, बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। तो अब करते हैं इसको फटाफट फिनिश, जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करते जाना, बहुत सारी वीडियो अब और आने वाली हैं, बहुत अच्छी डिशेस, बहुत अच्छी प्लेसेस आपको बताएंगे और बने रहिए हमारे साथ। फूड ट्रैवल व्लॉग्स को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कई नई जगह और नई डिश के साथ, तो ठीक है जी।